मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत ज्यादा गीली है। रायता भी बन के रेडी हो गया। तो गाइज लगभग 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे हैं बद्दियाकोट, और ये आपको पूरा जो ग्राउंड दिख रहा है ये बद्दियाकोट है, ये यहाँ का इंटर कॉलेज है स्कूल। तो अभी हम यहाँ पे एक टी ब्रेक के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यार हालत ख़राब हो गई है, कमर में दर्द हो गई है। तो यहाँ पे एक चाय लेते हैं, फिर हमको ये देख रहे हैं आप ये टॉप, हाँ इस टॉप पर हमको जाना है, तो वहाँ आज की हमारी कैंपिंग लोकेशन होने वाली है। तो दोस्तों पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पे, और यार रोड देखिए आप, क्या सैनिक रोड लग रहा है, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है इस रोड पे भी गाड़ी चलाने में। अजी ने कहीं तो और जाना टेंट लगाते हैं, है, क्या होता है? बहुत एडवेंचर करने के बाद अपने कैंपिंग लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और आज की कैंपिंग लोकेशन अपनी है उत्तराखंड बागेश्वर से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक बद्दियाकोट पड़ती है। चलिए अभी ये अपनी लोकेशन रहने वाली है, देख सकते हैं प्यारा सा बुग्याल टाइप का, और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। भले ही थोड़ा सा लेट हो गया हम पहुँचने में क्योंकि बहुत एडवेंचरस रोड था यार, बहुत टफ रोड था। तो फाइनली कैसा लग रहा है दोस्तों पहुँच के? बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है? अरे बढ़िया बढ़िया, एक नंबर ब्रो। चलिए अब सबसे पहले आप टेंट लगाते हैं क्योंकि लगभग आधा घंटा भी मुश्किल से बचा है अंधेरा होने में। तो चलिए सबसे पहले टेंट लगाते हैं, इसमें से एक चेयर तो मेरी है।
कैसा था ब्रो? नहीं वीडियो बना रहे कार में से नहीं निकलते हो, एक एक करके कितने निकल जाते हो तो लोग पिता डबे ऐसे एक कैन से निकल सुनना बाबा ट्रैक्टर हो गया सुनना बाबा या मैं तो नहीं लगा पा रहा हूं इनका ये फिर हो गया ये जल्दी हो गया ओके गाइस फाइनली अपने दोनों टेंट यहाँ पे लग चुके हैं। पहला अपना टेंट ये है और दूसरा टेंट यहाँ पे लगा दिए। बाकी अभी यहाँ पर चाँद आया हुआ था, छिप गया तो पूरा अंधेरा हो चुका है देख सकते हैं। और अपने दोस्त लोग गए हैं अभी लकड़ी ढूंढने, देखते हैं अगर लकड़ियाँ मिलेंगी तो आज बॉनफायर करेंगे। वैसे लकड़ियाँ तो सभी गीली होंगी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो हम चलते हैं अभी टेंट में। तो भाई अपने टीममेट्स लोग गए हैं लकड़ी लेने और उनके आने तक यहाँ हम बड़ी ऐसी चाय बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में होने के कारण ना चारों ओर से हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी वाली। तो यार ऐसे मौसम में चाय बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे थोड़ा सा कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस वजह से यार एडजस्ट करना थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए चाय बनाते हैं। ये है अपना टी मसाला जो कि यार थोड़ा सा भीग चुका है। मेरा हाथ में तो जाके अपनी चाय बन गई है तो चाय डालते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है। मसाला चाय जो भी बोल यार भाई, स्टील की गिलास में मस्त मजा आ जाएगा जो भी बोल। चलो चेस ब्रो, चेस। इतने ठंडे माहौल में चाय चाय वाली चाय। बाकी यार अपने सभी मेंबर्स थोड़ी बहुत लगने लगी हैं जिससे हम थोड़ा सा अपनी बॉडी हीट कर सकते हैं। और आप आज अपने साथ गुड्डू भाई हैं, बबलू भाई हैं, राजा भाई, बिट्टू भाई और कमल भाई। वाले बिस्किट निकालना था ना, चीनी कम थोड़ी। वो 50-50 निकालना, मेरे बैग में सारे बिस्किट। राजा जी जस्ट बोल की भागर भी। बाकी यार बहुत एडवेंचर करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत हमारा बीच में टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब थी और एक जगह आपने एक क्लिप देखी होगी, एक गाड़ी फंस गई थी तो आधा घंटा हमारा वहाँ पर वेस्ट हुआ। तो वरना हम लगभग 5 बजे तक हम यहाँ पे पहुँच जाते तो बढ़िया शाम के नज़ारे एंजॉय करते, बट कोई नहीं। अब सुबह मौसम साफ रहा तो यहाँ पर बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे।
तो अभी आज चाय पीते हैं बस, और कुछ नहीं है ना। ओके गाइस, रात के लगभग 9:32 हो चुके हैं और अभी हमने चाय वगैरह पी और थोड़ी देर रेस्ट किया और बाहर आए हैं। तो बाहर ऐसी तूफ़ानी हवा चल रही है, देखिए कांप रहा हूँ मैं ठंडे से। और अभी हम यहाँ पे आग जला रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि अपने सारे मेंबर्स थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठा करके लाए थे, तो इसको जलाते हैं। थोड़ी सी लकड़ियाँ भी यार गीली हैं, क्योंकि लास्टली 2-3 दिन से यहाँ बारिश हो रही है कह रहे थे, तो लकड़ियाँ भी थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगी जलने में। स्ट्रगल ये तो भाई संघर्ष करवा देंगे, तो बहुत ज़्यादा यार चौबास लगा है, मुश्किल लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा गीली हैं यार। कब होगा पेट्रोल? फाइनली यार आग जलाने में तो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली थी और वो जलती भी नहीं। तो अब कर रहे डिनर बनाने की तैयारी और बिट्टू भाई काट रहे अभी प्याज। अबे कड़ा निकाले, टन 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 बजा रही है तब। कोई चक्कर नहीं, स्पीड देगा हमको कर देगा। आप देख सकते हैं कल्लू बछड़ को हाथ उड़ाने दे, बाप तेरे लगने लगाई दे बड़ा गोरा हाथ उड़ दो। एक उधर देखो ना तुम कहाँ अभिषेक लाया तुम तो नंदी और बाहर पे अपने कमल भाई आलू छिल रहे हैं। बबलू भाई वो ठंडा हो गया सर, हवा चल रही है बस। बबलू भाई तूफानी हवाएं चल रही है यहाँ पे। बबलू भाई यादों में घूमे। बबलू भाई फिलहाल अपने महसूस है वो क्या है, महसूस आलू। तो आज हम बना रहे हैं बढ़िया सा क्या, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी पुलाव जो क्या कहो पुलाव, हाँ पुलाव ही बनेगा। एक ही बात है, बिरयानी तो क्या बनती है, वेज नहीं होती बिरयानी। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? पुलाव क्यों होता है? बिरयानी भी होती है, दम बिरयानी होती है, वेज दम। अरे हाँ ठीक है आगे कैसी बात कर रहा हूँ। बिरयानी में भाई नॉन वेज ही होती है यार, वेज नहीं होती। बाकी सोचा था हमने बढ़िया से आग में बनाएंगे करके, बट ये खराब हो गया तो आग में बनाना तो कैंसिल हो गया। सही हो भाई, सही खेल लो। टाइट हो रहा है क्या ज़्यादा? ठंड है ना यहाँ पर बहुत बहुत, तभी मेल्ट नहीं हुआ अभी ठंड के कारण। पानी दबा के ठंडा है भाई, पानी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कितना हो गया कमल भाई यहाँ पर? 10 करीब तो होगा, 10 तो हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड हो रहा है। और देखिए पनीर बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ही है अभी, तो लगभग सारी वेजेज अपनी कट चुकी है और अब बनाते हैं बढ़िया सा वेज बिरयानी। तो ये भाई तेल गर्म हो चुका है, अब उसको पनीर फ्राई। अब
सब उठे क्वेश्चन इसके कुछ और वाले तभी तो छौंक उठता है। अब बैठ कर देंगे हरी मिर्च क्या डाल के ठंडा हो जाता है मजा। अब डाल देता है भाई भाई भाई। थोड़ा सा प्याज ब्राउन होने के लिए और आज थोड़ा सा बर्तन बड़ा हो गया था थोड़ा टाइम लग रहा है करने में। आसमान में से वैसे तारे आए ना लगा या बादल आए बादल आगे वहाँ की वजह से वेज बिरयानी पड़ी है वो बिरयानी मसाला बिरयानी मसाला तो भाई आज अपनी बीरबल की खिचड़ी बनने वाली है क्योंकि यार बाहर पे हवा भी बहुत चल रही है और अपने पास ना इस जो डिक्ची है उसका ढक्कन नहीं है मेन बात तो बिना ढक्कन के थोड़ा टाइम तो लगने वाला है तो एक बार चावल भिगा देते हैं। चलो भाई चावल भी ऐड कर देंगे पानी भी डाल दीजिए ज़्यादा भी नहीं होगा कलर तो बहुत प्यारा आ रखा है और साथ में ये सफ़र मटर भी डाल देते हैं। वाह गजब है बहुत बढ़िया कलर है बस ये पक जाए टाइम से। तो भाई अपनी बाहर बन रही है बीरबल की खिचड़ी और टाइम दिखा रहा हूँ आपको ये 12:18 हो चुके हैं तो जो भी बन रहा है बिरयानी कहो या पुलाव कहो या खिचड़ी कहो भी खिचड़ी कहो कुछ भी बने यार अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है और साथ में हम बना रहे हैं खीरे प्याज और टमाटर का बढ़िया सा मिक्स रायता। तना लिया भाई इसमें काट दूं क्या ब्रो? हाँ हाँ हल्दी मत करो हल्दी थोड़ी सी हल्दी से करने को हल्दी अरे हल्दी मत तो ये बन रहा मस्त मिक्स रायता ठीक बो ये ज़्यादा ख़राब हो रहा है वीडियो का तो वीडियो कट वीडियो कट नहीं धन्य हल्का सा डाल डाल बहुत कम बस बस ठीक है। हरी मिर्ची भी डालनी थी एक पेशेंट था रगड़ा था और हरी मिर्ची भी डालनी थी ना जी जो बहुत जो मज़ा आया था बाइक और मज़ा आया था एक उसमें काट के डालना एक ही डालना था काट के ब्रो टाइम ब्रो चलिए बढ़िया रायता भी बन के रेडी हो गया बस अब यार उसका वेट है वो कब बनता है देखते हैं। बीरबल की खिचड़ी तैयार होगी
अरे बिरबल खिचड़ी तेरे आनी हुई तुम्हारी तो फाइनली यार अपनी थाली लग चुकी है खिचड़ी रायता और सलाद तो आप टेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगी मटर की कमी हो रही होगी तो आलू थोड़ा सा कच्चे रह गए बाकी चावल तो परफेक्टली बन चुके हैं ढक्कन होता ना बढ़िया बनता रहता बजा रखा चलिए भाई आराम से अब खाते हैं खाना क्योंकि अब थोड़ा सा दर्द हो रही तो खाए भी नहीं जा रहा तो खाते हैं ऐसी सभी लोग खाना तो मिलते हैं आपको डिनर के बाद झूठ पीट कर अभी दे रहा गाइस लंच पैक हो गया रात के कितने बज रहे हैं ये बार आपको दिखाता हूँ टाइम भाई साहब टाइम हो रहा है अभी रात के 2:07 और अब जाके अपना डिनर हो चुका है यार फाइनली आज काफ़ी लेट हो चुके हैं और यहाँ पर टेम्परेचर ना अराउंड 10 से तो कम ही होगा राजा भाई की अभी दोबारा चाय बन रही है और दो लोग सही है तो चलिए हम भी सोते हैं यार बाकी थोड़ा ओस पड़ने लगी है चलिए भाई थोड़ा सा नाइट फ़ोटोज़ लेने में टाइम लग गया राजा भाई और मैं नाइट फ़ोटोज़ ले रहे थे तो ये वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगे बाकी सारे लोग सो चुके हैं यार और 2:30 बजने वाले हैं तो मैं भी सोता हूँ अब बाकी देखते हैं ठंड से राहत मिलती है या नहीं मिलती है चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह के 7:14 हो रखे हैं आज कान में दर्द होने के कारण है ये नसें पूरी जाम हो रखी है तो मुंह भी नहीं खुल रहा अच्छे से तो थोड़ा सा एडजस्ट करना यार बाकी अभी बाहर बहुत तेज़ धूप आ चुकी है तो देखते हैं नज़ारे तो बहुत प्यारे हैं अभी थोड़ी सी आगे ना ये हेज टाइप की लगी हुई है तो थोड़ी देर में भी ठीक हो जाएगा तो फिर बहुत शानदार व्यू आएगा अगर थोड़े बहुत बादल आ जाएंगे तो बाकी ये अपनी कल की यार कैंपिंग लोकेशन थी और 2-3 लोग अपने मंदिर पे गए हुए हैं अभी साथ में अपनी सुबह सुबह की चाय बना रहे हैं राजा भाई गुड मॉर्निंग चाय पीएंगे क्या सुबह सुबह
मॉर्निंग चाय बन के रेडी है और तो फिर बाकी यार थोड़ा वेट करते हैं आगे का, थोड़ा सा ये धुंध टाइप का साफ हो जाए तो खुला बढ़िया वेदर हो जाएगा। लकड़ी भी थी वहाँ पे, विश्राम घर भी था, लकड़ा वाला है मसाला हजर जो गुंडा है इसकी प्लान ना जो भी था ना ठीक था। अरे आइटम तो बंद जिसकी चाय चल रहा, बढ़िया से चाय वगैरह पी ली है और अभी थोड़ी सी तेज़ धूप लग रही है यहाँ पे, तो अब प्लान अपना पैकिंग करने का और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ से ना इस साइड को हल्के से स्नो माउंटेंस दिख रहे हैं, बट अभी बादलों की वजह से ढक चुका है और नवंबर दिसंबर में तो ये सारे माउंटेंस बर्फ़ से कवर रहते हैं। और ये अपनी कैंपिंग लोकेशन, तो करते हैं पैकिंग वगैरह और फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों सारी पैकिंग अपनी हो चुकी है और लास्ट नाइट कैंपिंग अपनी बद्यागोड़ में हुई थी और बढ़िया रही, बिल्कुल एडवेंचरस कैंपिंग रही। और अभी सारा यहाँ पर सफाई वगैरह कर लिए, जितना भी हमने गंदगी की थी वो सारा यहाँ पर जला दिया है। बाकी ये प्याज की छिकल वगैरह डिकम्पोज हो जाएंगे और अब चलते हैं इस प्यार इसी लोकेशन को छोड़ के, बाकी सभी लोग मेंबर्स चले गए अपने गाड़ियों की ओर। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं ये पता, बाकी मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नई नाइट कैंपिंग वीडियो के साथ बहुत एक बेहतरीन जगह पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू दोस्तों, बाय बाय।